हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वर्कशीट नंबर फोर्थ, एंड दिस वर्कशीट फॉर 12th of April 2021 के लिए हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, क्योंकि आप सभी ने जो है ना लगातार वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया और सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को। थैंक यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मीना, राजू कैन यू टेल मी हाउ मच इज 20 + 15। मीना कह रहा है राजू से, राजू क्या आप बता सकते हो 20 + 15 कितना होता है, यानी 20 + 15 कितना होता है। तो 20 + 15 हम सभी जानते हैं ये 35 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, राजू कह रहा है सर्टेनली मीना 20 + 15 इज इक्वल टू 35। एग्जैक्टली राइट, ये क्या है, एकदम आपने सही बताया। मीना कह रहा है वेरी गुड राजू, वेरी गुड राजू, नाउ कैन यू टेल मी हाउ मच इज, अब बताओ 3√2 + 5√2 कितना होगा, ये बताओ अब। राजू कह रहा है मीना इफ आई एम नॉट रॉन्ग दीज नंबर आर इरेशनल नंबर। तो ये कह रहा है ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। आई एम फाइंडिंग दिस एडिशन क्वाइट डिफिकल्ट, और मैं इस इरेशनल नंबर का जो एडिशन है ना, जोड़ना, ऐड करना, जमा करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को लिए, बच्चों के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसे हम देखते हैं, करके बताते हैं आपको। ये देखिए 3 + 5 कितना हुआ, 8√2 हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए ईजी है, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर फिर से पूछ रहा है राजू, मीना कह रहा डोंट गेट स्केयर्ड राजू, तुम डरो मत, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान होता है, जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, चलो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। टेल मी हाउ मैनी ट्रायंगल डू वी गेट इफ वी सॉल्व 3 ट्रायंगल, ये बता रहे हैं जो ये 3 ट्रायंगल है प्लस 5 ट्रायंगल है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितने हो गया, 8 ट्रायंगल हो गया, कितने हो गए, 8 ट्रायंगल हो गया ये, ठीक है। राजू कह रहा देखो 3 ट्रायंगल + 5 ट्रायंगल टुगेदर बिकम्स 8 ट्रायंगल। मीना कह रहा वेरी गुड राजू, नाउ टेल मी हाउ मैनी स्टार, अब बताइए स्टार कितने हैं, वी डू वी गेट इफ वी सॉल्व 11 + 20, अगर 11 और 20 को सॉल्व करते हैं तो 11 और 20 कितना हो जाता है, 31 हो जाता, ठीक है। देखिए डियर, तो इन्होंने आंसर क्या क्या किया, इट विल मेक 31 आई एम राइट, यस। मीना कह रहा राइट, सिमिलरली इन 3√2 + 5√2 टेक्स ट्रायंगल इन प्लेस ऑफ √2, नाउ कैन यू टेल मी डैट आंसर, आप उसके बारे में आंसर बता सकते हैं, एग्जैक्टली बता सकते हैं। देखिए ये 5 और 3 कितना हो गया, 8, और ये √2 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया इसका, लेकिन यहाँ राजू कह रहा है 8√2 एंड जस्ट लाइक द दिस 11√3 + 20√3 विल बिकम 31√, यानी कि 11√3 + 20√3 ये कितना हो जाएगा, 20 और 11 31√3 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे है जो मीना कह रहा है वॉजेंट इट ईजी, कह रहा है ये इजी नहीं था क्या, नाउ टेल मी वॉट विल यू गेट इफ यू सॉल्व 3 ट्रायंगल + 6 तो दीज आर डिफिकल्ट, 3 ट्रायंगल + 6 दीज आर डिफिकल्ट, वी कांट ऐड स्टार इन ट्रायंगल, हम स्टार को ट्रायंगल में ऐड नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट राजू, द सेम वे 3√2 + 5√3 आर केप्ट सेपरेट एंड द कैन नॉट बी एडेड, इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 3 स्टार है और 3 ट्रायंगल है प्लस 6 स्टार है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसको आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम यहाँ देख रहे हैं चिल्ड्रेन, यू माइट हैव सीन दैट द एडिंग इरेशनल नंबर वॉज नॉट सो डिफिकल्ट, आपने देखा वगैरह वगैरह जो कितना और सब्ट्रैक्शन इरेशनल नंबर का जो है ना काफ़ी डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ही आसान होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, देखिए इसे जैसे 10 रूट
टू माइनस सिक्स रूट टू, तो टेन में से सिक्स गया तो डियर स्टूडेंट बताएं कितना होगा, फोर रूट टू हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, फिफ्टीन रूट सेवन माइनस थ्री रूट टू, तो फिफ्टीन में से सेवन थ्री गया तो कितना बचा डियर स्टूडेंट, ये सेवन है तो फिफ्टीन में से जो है ना थ्री गया तो ट्वेल्व रूट सेवन, तो ये आपका आंसर है। तो ये देखिए ये दोनों मैंने जो निकाला वो यहाँ पे आंसर है, राइट। अब टू टर्म हैविंग सेम इरेशनल मल्टीपल लाइक कैन नॉट लाइक टर्म कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी टू इरेशनल नंबर जो है ना जिसका मल्टीपल लाइक टर्म में होगा कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जो उसको हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो चिल्ड्रेन नाउ यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब बच्चों आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट ये 25 रूट टू है, तो क्या 25 रूट टू प्लस सिक्स रूट टू, तो 25 सिक्स 31 रूट टू, ये हो गया, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, राइट। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कराते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आइए, ये रहा आपका एट रूट फाइव और माइनस टू रूट फाइव, तो एट में से अगर फाइव टू गया तो कितना बचा डियर स्टूडेंट, सिक्स रूट फाइव, कितना है सिक्स रूट फाइव हो गया, राइट। अब देखिए थर्ड है क्वेश्चन इसका, नाइन रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री, तो नाइन में से थ्री गया तो सिक्स रूट थ्री हुआ इसका डियर स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको फिर भी कहीं डाउट लगता है डियर स्टूडेंट तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और अपना जो है ना राय दीजिए, आपको क्या मेरा जो वर्कशीट है वो समझ में आता है नहीं आता है, आपको कहाँ दिक्कत है प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें कमेंट में पूछिए, मैं हर एक क्वेश्चंस का जवाब दूंगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। और जुड़े रहिए चैनल से, ठीक है। अब देखिए ये 12 रूट 6 है प्लस 18 रूट 6 है, अब इसको क्या करना, 12 और 18 कितना हो जाएगा आपको 13 हो जाएगा, 30 रूट 6 हो जाएगा ये आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 17 रूट 11 प्लस 3 रूट 11, तो 17 और 3 कितना हो गया 20 रूट 11, ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम सॉल्यूशन को भी देखेंगे, तो 7 रूट 3 माइनस 6 रूट 3, तो 7 में से 6 गया तो 1 रूट 3, जबकि यहाँ पे हम 1 लिखते नहीं है, तो ये डायरेक्ट रूट 3 आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसका 25 रूट 2 था प्लस 6 रूट 2 है, तो ये 31 रूट 2 हो जाएगा, राइट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, और आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, थैंक यू आप सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए। 9 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, तो इसको 6 रूट 3 होता है, ठीक है, इसका जो है ना 6 रूट 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 रूट 5 माइनस 2 रूट 5, तो इसका कितना हो जाएगा, 8 में से अगर आप यहाँ 2 माइनस करेंगे तो 6, तो ये 6 रूट 5 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब आप यहाँ देखिए 12 रूट यानी 12 रूट 6 माइनस 18 रूट 6 है, तो इसमें से आप 12 में से माइनस 18 करेंगे तो कितना बचेगा डियर स्टूडेंट, 12 में से माइनस 18 करेंगे तो कितना बचेगा, सॉरी प्लस करना है इसमें, तो 18 प्लस ये 30 हो गया, ठीक है, ये क्या है 30 हो गया, तो ये आपका यहाँ है आंसर, 30 रूट 6 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, यहाँ ये देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन का आंसर ये लिखा, ये थर्ड क्वेश्चन का लिखा गया, ठीक है, और आपका सेकंड क्वेश्चन का ये रहा आंसर, इसको ध्यान से सुनिए, और फोर्थ क्वेश्चन का ये अभी मैंने सॉल्व कर दिया, और फिफ्थ क्वेश्चन का आपका ये रहा, ठीक है। तो 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा 20, तो 20 रूट 11 हो गया, ये है ना आपका आंसर, देख पा रहे हैं। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है
सेवन रूट थ्री माइनस सिक्स रूट थ्री, तो सेवन में से सिक्स गया तो वन रूट थ्री हो जाएगा, तो वन को हम लिखते नहीं हैं, तो ये रूट थ्री ही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।